दूर से बोलिए, क्या नाम है आपका? रणवीर रघुवंशी। रणवीर रघुवंशी। तो आप वृंदावन दर्शन करने आए हैं आप? हाँ हाँ दर्शन करने। तो क्या फील कर रहे हैं यहाँ पर आके आप? यहाँ पे आके मैं बैठा तो एक सज्जन आए, वो मेरे से बोलते हैं कि हमें दूर से बोला, कोई चिंता क्यों कर रहे हैं मैं आपका? 7:05 पे आपके दर्शन करा देंगे, तब 500 रुपीज लगेंगे। अच्छा, उनकी आपके लिए जो है ना बिहारी जी का झुमका भोग मिलेगा, मात्र 500 रुपीज लगेंगे। अंदर जाने का? उनका बोलना है आपका जो है ना अलग से गेट खोल के और दर्शन करा दी जाए। दर्शन कराएंगे आपको, हाँ ऐसा हाँ बोलते हैं यहाँ पे। ऐसा बोलना है कि वैसे मंदिर जो है ना ये 7:45 पे खुलता है, आपके दर्शन हम 7:05 या 5 मिनट पे जो है ना करा देंगे। देखिए मेरे साथ भैया, कहाँ से आए भैया आप लोग? एमपी से आए, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से आए। भैया एमपी से, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से आए। इनसे अवैध पैसे मांगकर बंद मंदिर में 500 रुपए लेकर वो एंट्री कराने के लिए, बंद मंदिर में दर्शन कराएंगे, 500 रुपए लेंगे, भोग प्रसाद देंगे, ऐसा गुमराह करके व्यक्तियों को गुमराह किया जा रहा है। मेरी शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं आपकी इच्छा को कप्तान साहब, पुलिस से डीएम साहब तक पहुंचाऊंगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि ऐसी सुहाना तो दलालों के थ्रू भगवानों को एक जो ये बेचने का तरीका ही है ये कि कुछ भक्तगण बाहर खड़े हैं उनको दर्शन ना करा के ये वैसे लेकर जो दर्शन करा रहे, ये चीज बहुत गलत है। क्योंकि हमारे मंदिर की, हमारे वृंदावन की बदनामी होती है इसमें। हजारों यात्री आते हैं, रुपये पैसे खर्च करते हैं, यहाँ बंद मंदिर में 500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये लेके बंद मंदिर में एंट्री कराते हैं। इसका विरोध मैं भी करता हूँ, और आने वाले श्रद्धालुओं को रिकॉर्डिंग करें, अपने ऊपर तक शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक ऊपर तक पहुँचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आई हो? जगराव से। तो आपको कैसा फील लग रहा है वृंदा पे, वृंदावन में आके क्या फील कर रही हैं आप? मन की शांति। मन की शांति। अभी आप कह रहे थे कि दर्शन कराने नाम पे पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, मांग रहे हैं। पहले नंबर, एक नंबर गेट पर। एक नंबर से क्या बोला आपसे? वो बोलते हैं अपने गुसाई का नाम बताओ। अपने गुसाई का नाम बताओ। और उसके अलावा बोलिए, बेहिचक बोलिए। ये तो आपकी आवाज जीतो, सुनो जी। तो हमारा वृंदावन के अंदर मंदिर में बदनामी होती है, हमारे वृंदावन में हम तीतपुरों की बदनामी होती है। कुछ असामाजिक तत्व लोग गोरख धंधे को करते हैं मिली भगत से, हम इसी धंधे को बंद कराने के चक्कर में हैं। आप भावुक मत होइए, जो मन की बात है वो बोलिए। आपकी बात को मुख्यमंत्री योगी तक पहुँचाएंगे हम। भैया वो बोलते हैं फ्री वाला आधे घंटे का दर्शन 300 का होगा, 300 का। अगर खजाना भी लेना है, प्रसाद भी लेना है, हार भी लेना है तो 500 का जी। देखिए ये भगत है, कहाँ से आना होगा ना? जगराव। जगराव से आए, इनको देखिए कितने भावुक हैं। और ये अपने आस्था के लिए वृंदावन आती हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो बिहारी जी को बदनाम करने के, बेचने के चक्कर में डोल रहे हैं। हजार हजार, पाँच पाँच सौ, 300-300 रुपये मांगते हैं, यात्रियों को गुमराह करते हैं कि बंद मंदिर में दर्शन कराएंगे। और बंद मंदिर में दर्शन कुछ नहीं होता है, केवल उनसे गुमराह करके पैसा लिया जाता है। जैसे आम जनता का दर्शन होता है, वही दर्शन होता है। राधे राधे। और बुझे बोलिए, एक मिनट, कहाँ से आना हो बहन? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। वृंदावन आके कैसा फील हो रहा है आपको? सब बोल रहे हैं कि ऐसे एंट्री 500 में करवा दूंगा, 500 मंदिर बन है, फिर भी बोल रहे हैं कि वीआईपी एंट्री करा दूंगा। और आपको बड़ा बुरा लग रहा है? आपको बहुत लग रहा है। पैसे देके एंट्री करा रहे हैं, वही पैसे ही करा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। ओके, क्या कह रहे हैं, वीआईपी दर्शन कराएंगे? ऐसा बोल रहे हैं कि वीआईपी दर्शन कराएंगे 500। अच्छा अच्छा, ये अवैध धंधा है, इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाएगा। और हमारे वृंदावन की छवि खराब होती है। धर्म के स्थान पे इतने दूर से आते हैं और ऐसे ट्रॉली करके, यही सिलसिला, इसी चक्कर में ये सब प्रतिक्रिया चालू हो रही है। हम इसी बंद मंदिर में जो एंट्री होती है अवैध है, और हमारे वृंदावन की बदनामी होती है। हम इसको जल्द से जल्द शासन प्रशासन से बंद कराने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। उस वाले गेट आगे बढ़ जाओ। हम बोलिए, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। कहाँ से आना होगा? कासगंज जिले से। कासगंज। कैसा फील हो रहा है आपको वृंदावन में आके? सही हो रहा है, लेकिन ये लोग पैसे मांग रहे हैं दर्शन के नाम पर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इधर से कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। गेट नंबर 1। हाँ, गेट नंबर 1 से। और एक नहीं है वो, दो गेट नंबर 2 या 3 है।
एक 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 है, एक है वो बोल रहे हैं वीआईपी दर्शन होंगे एक घंटा पहले एक यहां से जाओ। मैंने बोला वीआईपी दर्शन क्या होता है भाई भगवान के पास, बोले हमसे जा रहे हैं दोनों पापा में बताओ बोलो अपना अपना बोलो मैं ऊपर तो लिखा पड़ जाऊंगा। हाँ बोलो बोलो नहीं आप ये लोग खा रहे हैं तो खाने तो क्या है, देख रहे हैं भगवान सारा। अरे आप ही लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, कौन विरोध करेगा, कौन विरोध करेगा? यहाँ आया लौटा दिया हमारे लिए गेट में से। अबे धंधा चल रहा है पान पान से हजार हजार रुपए लेकर रहे हैं हमारे बांके बिहारी मंदिर की छवि खराब होती है, हमारे वृंदावन की छवि खराब होती है। दर्शन कराएंगे वो लोग जा रहे हैं। हाँ मैं सब देख रहा हूँ, सामने भीड़ जा रही है, सब देख रहा हूँ सर। हमको नहीं जाने दे रहा है। गेट नंबर एक से देखिए भक्त लोग द्वारा क्या शिकायत की जा रही है, गेट नंबर बंद मंदिर में एंट्री हो रहा है, ये देखिए है रंजी और यानी वो भैया बैठे हैं तो वो बोल रहे थे कि आपको इधर से जान नहीं देंगे। हाँ वो बोल रहे ना 500 रुपए, 500 रुपए घंटा पहले तुमको आराम से दर्शन कराएंगे। तो मैंने बोला ये वीआईपी दर्शन नहीं, वीआईपी दर्शन क्या है, कह रहे कि जाओ जाओ बिहारी जी को मिल रहा है तो हम तो मिल लेंगे बिहारी जी से। हां बिहारी जी मिल रहा है हम तो मिल लेंगे। वो बैठे हैं भैया वो सामने खड़े हुए हैं। ठीक है भैया धन्यवाद। इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी इसलिए आप लोगों को सब भगवान के नाम पर इनके खिलाफ कार्रवाई। आप कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा आपसे भी रिक्वेस्ट की है पैसे की? नहीं हम बोले कि अगर आपको तो आओ पैसे तो हमने कहा वैसे कर लेते हैं, हम तो आए इनका दर्शन करने हैं वैसे कर लेते हैं दर्शन करे भी बकवास मत करना जाओ आप अंदर। अच्छा 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 हमें क्या करना है, हम तो भक्त हैं, हमें क्या आप ही देखो तो सारे लोग जा रहे हैं और हमको नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए मेरे साथ भक्त लोग हैं और मेरे पीछे गेट नंबर है, यहाँ से कुछ असमय तत्व लोग पैसे लेकर यात्रियों गुमराह करते हैं, 500 रुपए मांग रहे हैं बंद मंदिर में एंट्री कराने का। अभी मंदिर में कोई किसी पर घटना घटती है कोई कौन जिम्मेदार होगा? मैं शासन प्रशासन मंदिर प्रशासन से पुलिस प्रशासन से कहता हूँ कि इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को लामबंद किया जाए, जेल में पहुँचाया जाए। और क्या होना चाहिए वही।